हरिओम बच्चों, आप बड़ी ही बेसब्री के साथ हर हफ्ते बाल संस्कार के नए पाठ्यक्रम का इंतजार करते हैं। तो लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ। हम आ गए आपके लिए एक और नया बाल संस्कार का विशेष सत्र लेकर। आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या विशेष है। आज का बाल संस्कार विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम आपको श्राद्ध की महिमा बताने वाले हैं और साथ ही आज आपको स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आदर्श दिनचर्या बताने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे नशा करने से कैसे जीवन तबाह हो जाता है और अगर कोई नशे की लत से बचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो तैयार है ना आप? चलिए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। आपको पता है बच्चों, हमारे ऋषि मुनियों ने ओमकार की बहुत महिमा गाई है। और तो और, ओमकार की महिमा के 22,000 श्लोक लिखे गए हैं। ओमकार का जप मनुष्य को निर्भीक साहसी बना देता है, मन को शांत और एकाग्रता को विकसित करता है। आइए हम सभी ओमकार गुंजन का लाभ लें। सभी थोड़ी देर शांत बैठ जाएं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद रहें और ध्यान आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। श्वास लो लंबा। मंत्रोच्चारण। मंत्र यानी मन अधिक तर, मन को मनन की शक्ति देने वाला, मन को शांत और एकाग्र करने वाला और सभी भयों का विनाश करने में जो समर्थ है,
उसे वैदिक मंत्र कहते हैं। मंत्र जप से पतित व्यक्ति भी ऊंचा उठ सकता है। तो आइए करते हैं इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु प्रार्थना। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव और गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म है। उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करते हुए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। प्राणायाम। ये देखा जाता है कि उच्च प्राण बल वाले व्यक्ति को रोग उतना परेशान नहीं करते जितना कमजोर प्राण बल वाले को करते हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने वाला व्यक्ति लंबी आयु और निरोगी जीवन जीता है। योग चिकित्सा में दवाओं को बाहरी उपचार माना गया है, जबकि प्राणायाम को आंतरिक उपचार और मूल औषधि बताया गया है। चलिए हम भी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले प्राणायाम का लाभ लें। प्राणायाम करते समय विद्युत का कुचालक आसन पर ही बैठना चाहिए। प्लास्टिक बिछा हो, कंबल बिछा हो, कुल मिलाकर अर्थिंग ना मिले। इस प्रकार के 7 से 10 प्राणायाम करें। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो, लो लो और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर सुख रूप ज्ञान रूप चेतन रूप। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो, जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट 1.25 मिनट उतना अच्छा है।
धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे, पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोड़ी छाती के तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। तीस हो गए, पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। चार बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए चार बार बाहिर कुंभक, चार बार आभ्यंतर कुंभक। त्रिबंध प्राणायाम करके 6 मिनट ओमकार का जप करें, कम से कम 6 मिनट। और भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने अथवा ओमकार के सामने जिसमें श्रद्धा प्रीति। त्राटक। अब बारी आती है त्राटक की। त्राटक का अर्थ है किसी निश्चित आसन पर बैठकर एक निश्चित बिंदु, मूर्ति, दीपक, सदगुरु या भगवान के चित्र को बिना पलक झपकाए एक टक देखना। एकाग्रता को बढ़ाने में त्राटक बहुत मदद करता है और एकाग्र मन से पढ़ा हुआ याद जल्दी हो जाता है। तो अब हम त्राटक करेंगे। सभी बच्चे बिना हिले डुले बैठें, पलकें भी न झपकाएं और एक टक सामने गुरुदेव या इष्ट देव को देखते जाएं। अब 5 मिनट त्राटक करेंगे।
पूरा हुआ। अब अपनी अपनी आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए। श्लोक। चलिए अब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का उच्चारण करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजनोऽपि माम्। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कहानी। बच्चों, अब समय आ गया आज की कहानी का। सभी बच्चे पूरे ध्यान से कहानी सुने और अंत में कहानी के प्रश्नों का जवाब भी दें। हमारी आज की कहानी श्राद्ध महिमा पर आधारित है। पुराणों में आता है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्र की युति होती है और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन हमारे पितर यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर अपने वंशजों के निवास स्थान में रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। सुनिए एक कथा। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र कर्ण देह छोड़कर ऊर्ध्वलोक में गया और वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। मृत्युलोक में वो दान करने के लिए प्रसिद्ध था। उसका पुण्य कई गुना बढ़ चुका था और वो दान स्वर्ण रजत के ढेर के रूप में उसके सामने आया। कर्ण ने धन का दान तो किया था किंतु अन्न दान की उपेक्षा की थी। अतः उसे धन तो बहुत मिला मगर क्षुधा तृप्ति की कोई सामग्री यानी कोई अन्न पदार्थ उसे नहीं दिया गया। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की तो यमराज ने उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की सहमति दे दी। पृथ्वी पर आकर पहले उसने अन्नदान किया। अन्नदान की जो उपेक्षा की थी उसका बदला चुकाने के लिए 15 दिनों तक साधु संतों गरीबों ब्राह्मणों को अन्न जल से तृप्त किया और श्राद्ध विधि भी की। ये अश्विन मास का कृष्ण पक्ष ही था। जब वो ऊर्ध्वलोक में लौटा तब उसे सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां ससम्मान दी गईं। धर्मराज यम ने वरदान दिया कि इस समय जो मृतात्माओं के निमित्त अन्न जल आदि अर्पित करेगा उसकी अंजलि मृतात्मा जहां भी होंगे वहां तक अवश्य पहुंचेगी। जो निसंतान ही चल बसे हों उन मृतात्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो वो भी उन तक पहुंचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात न हो उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि पहुंचती है। सीख। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। बच्चों, अब हम आपको श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं।
आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि की वृद्धि हेतु श्रद्धया पितृन्न उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्। अर्थात अपने पितृगणों की सद्गति के लिए श्रद्धा सहित किए गए कर्म विशेष को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द में श्रद्धा का मधुर भाव निहित है, अपने से बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव संजोया हुआ है। जैसे हजारों मील दूर का शब्द रेडियो द्वारा उसी क्षण सुना जा सकता है, उसी प्रकार मन संकल्प द्वारा विधि और श्रद्धापूर्वक की हुई श्राद्ध आदि क्रियाएं भी मन के अधिष्ठाता देव चंद्रमा द्वारा सूक्ष्म रूप से आकृष्ट होकर चंद्रलोक में स्थित पितरों को तृप्त और प्रसन्न करती है। पितृगणों की तृप्ति का सरल उपाय, विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। इसमें असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी दक्षिणा देने से भी श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। यदि इतना करने में भी कोई समर्थ न हो तो किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करके एक मुट्ठी तिल दे या पितरों के निमित्त पृथ्वी पर भक्ति और नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि दे दें। यदि इसका भी अभाव हो तो कहीं ना कहीं से एक दिन की घास लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक पितरों के उद्देश्य से गौ को खिलाएं। इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में अथवा एकांत पवित्र स्थान में जाकर अपने कक्षमूल यानी अपने बगल सूर्य आदि दिक्पालों को दिखाते हुए उच्च स्वर से विष्णु पुराण के ये वचन कहें। नमेस्ति वित्तम न धनम च नान्य श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। इस प्रकार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी व्यक्ति पितृगणों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पहुंचता है हव्य कव्य? श्राद्ध पक्ष में चंद्रमास और चंद्रगति के अनुसार तिथियां होती हैं। इन तिथियों में पितर चंद्रलोक में उसी मार्ग व स्थान में स्थित होते हैं जिस मार्ग व स्थान को वे मरने के पश्चात प्राप्त हुए थे। ऐसे में श्राद्ध के समय संकल्पित नाम गोत्र के आधार पर विश्व देवता और अग्निश्वातादि दिव्य पितृगण हव्य कव्य यानी श्राद्ध की सामग्री को पितरों तक पहुंचाते हैं। यदि पितृगण देवयोनि को प्राप्त हो गए हों तो अर्पण किए गए हव्य कव्य उन्हें देव भोज्य अमृतादि के रूप में प्राप्त होते हैं, और मनुष्य व अन्य पशु योनियों में होने पर अभीष्ट हव्य कव्य तृप्तिकर भोज्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। श्राद्ध की अनिवार्यता। नास्ति क्यादथवा लौल्यान् न तर्पयति वैसुतः पिबन्ति देहिनः श्रावम् पितरोस्य जलार्थिनः। नास्तिकता से अथवा चंचलता से जो पुरुष तर्पण नहीं करता उसके पितर पिपासित यानी प्यास से व्याकुल होते हैं और देह से निकले हुए अपवित्र जल को पीते हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते उनके पितर उन्हें भीषण शाप देते हैं। अतः मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध की दिव्य परंपरा अपने देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। महाराज भगीरथ ने गंगा जी के पवित्र जल से तथा भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान कई जगहों पर तर्पण से पितरों को संतृप्त किया था। यो वै श्राद्धं नरः कुर्याद् एकस्मिन्नपि वासरे
तस्य संवत्सरं यावत् संतृप्तः पितरो ध्रुवम्। जो मनुष्य पितृपक्ष में एक दिन भी श्राद्ध करता है उसके पितृगण वर्ष पर्यंत के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध की महिमा तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के पश्चात जो आचमन किया जाता है एवं पैर धोए जाते हैं उसी से बहुत से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। फिर बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए श्राद्ध की तो महिमा ही क्या। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति होती है। वीडियो सत्संग। अब पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। अभी ये जो करेंगे ना वो सब आपके निमित्त ही करते हैं, मेरे को इसका पुण्य नहीं लेना है, आपके निमित्त करते हैं, ये आपके हिस्से में है, ये सब आपके हिस्से। एक ऐसा मंत्र है कि विधि विधान आदि की त्रुटि हो, कमी हो, न आता हो, तो भी एक ऐसा बढ़िया मंत्र मिला है जिसमें चार बीज मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी स्वाहा। स्वधा देवी पितरों को तृप्त करने में सक्षम है और ये चार बीज मंत्र है, मतलब सॉलिड, तो पितरों को तृप्ति और सदगति होनी होनी है। जो भी जिसके निमित्त करेंगे उनको मंगल होगा, तृप्ति होगी, बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि चार बीज मंत्र है। ओम एक बीज मंत्र है, ह्रीम दूसरा बीज मंत्र है, श्रीम तीसरा बीज मंत्र और क्लीम चौथा बीज मंत्र है। चारों बीज मंत्र है, बीज मंत्र अपने आप में पर्याप्त है। चलो अब अपने जो रिश्ते में आए हैं, जो अपने कुल खानदान में, रिश्ते में, मित्रता में, परिचय में, उनको तो करेंगे, लेकिन जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है फिर भी वास्तव में ब्रह्म परमात्मा एक है, हम उस एक परमात्मा की संतान के नाते सभी हमारे, तो हम सभी के लिए तर्पण कर लेंगे। नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच, आपके शत्रु भी हो गए हैं वो भी बेचारे संतुष्ट रहें, तृप्त रहें, उनका भी मंगल हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम मंत्र बोलते हुए जितने भी पितर और जितने भी देवता आदि उन सबका भी आवाहन करेंगे कि भगवान विश्व के समस्त देवी देवताओं आज आप पधारिए और यहां जो इस तर्पण का शुभ कार्य किया जाता है इसमें विराजमान होइए, इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करिए। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलः, ये तर्पणे अत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, आगतं वा सुस्वागतं वा। अब सर्वप्रथम देवी देवताओं का तर्पण किया जाता है। ओम ब्रह्मास्त्रप्यन्ताम्मा, ब्रह्मा जी के लिए तर्पण है हमारा। ओम विष्णुस्त्रप्यन्ताम्मा, ओम रुद्रस्त्रप्यन्ताम्मा, ये तीन जो सृष्टि के प्रमुख देवता हैं उनके लिए। ओम मोदास्त्रप्यन्ताम्मा, ओम प्रमोदास्त्रप्यन्ताम्मा, ओम सुमुखास्त्रप्यन्ताम्मा, ओम दुर्मुखास्त्रप्यन्ताम्मा, ओम अविघ्नास्त्रप्यन्ताम्मा, ओम विघ्नकर्तारस्त्रप्यन्ताम्मा, ओम तीर्थानि त्रप्यन्ताम्मा, सब तीर्थ तृप्त रहे। ओम तीर्थ देवास्त्रप्यन्ताम्मा, गंगा जी तृप्ताम्, ओम गंगा जी को भी तृप्त करो उनके तट पर। ओम गंगा इत्यादि सर्व नद्यास्त्रप्यन्ताम्मा, सारी देव नदियां तृप्त हो। ओम संवत्सरः सावयवस्त्रप्यन्ताम्मा,
ओम दिव्यस्त्रप्यन्ताम् ओम अप्सरस्त्रप्यन्ताम् ओम देवानुगास्त्रप्यन्ताम् ओम नागास्त्रप्यन्ताम् ओम सागरास्त्रप्यन्ताम् ओम पर्वतास्त्रप्यन्ताम् ओम सरितस्त्रप्यन्ताम् ओम कपिलस्त्रप्यतु ओम कपिलस्त्रप्यतु ओम आसुरिस्त्रप्यतु ओम आसुरिस्त्रप्यतु ओम वोहुस्त्रप्यतु ओम वोहुस्त्रप्यतु ओम पंचशिखस्त्रप्यतु ओम पंचशिखस्त्रप्यतु ओम अन्य सर्व ब्रह्मज्ञानी त्रप्यतु। अन्य सर्व ब्रह्मज्ञानी नहीं, सर्व संत ब्रह्मज्ञानी हो कोई भी हो, खाली ब्रह्मज्ञानी तो पहले से तृप्त है, और भी तृप्त हो जाए, साधक भी तृप्त हो जाए, ब्रह्मज्ञानी के साधक जो भी ईश्वर रास्ते चले हैं सब तृप्त हो। चल ईश्वर रास्ते नहीं चले वो भी तृप्त हो। हम 6 पिंड दान करेंगे। सर्वप्रथम जो पिंड है वो ओम ब्रह्म गोत्रोत्पन्न अस्मत् पित्र पितामह प्रपितामहेभ्य सपत्निकेभ्य एष ते पिंड। पितृ तीर्थ जैसे तर्पण किया था उसी तरह से उसी तरफ से पिंड अपन रख देंगे। एष ते पिंड क्रियालोपगताये च जात्यन्धः पंगवस्तथा विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातः कुले मम तेभ्यो पिंडो मया दत्तो अक्षयम् उपतिष्ठतु। ओम एष ते पिंड। ओम पिंड संस्थापित्र धूपम स्वधानमः ओम पिंड संस्थापित्र धूपम स्वधानमः ओम पिंड संस्थापित्र धूपम स्वधानमः तत्पश्चात् दीप आरार्तिक्यम् ओम पिंड संस्थापित्र दीपम स्वधानमः ओम पिंड संस्थापित्र दीपम स्वधानमः ओम पिंड संस्थापित्र दीपम स्वधानमः तत्पश्चात् द्राक्ष निवेद्यम् ओम सर्वे पाकाशुचियो भवन्तु नः। ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ के पितरों को प्रार्थना करेंगे। ओम पृथ्वी ते पात्रम द्योरपिदानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जोमि स्वधा। ओम इदम अन्नम अस्मत् पित्र पितामह प्रपितामहेभ्य सपत्निकेभ्य अस्मत् मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामहेभ्य सपत्निकेभ्यश्च अन्य सर्व पूर्वजेभ्य स्वदा संपत्तिताम कव्यम न मम। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम स्वधा 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 ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधाय देवी स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी स्वाहा।
स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवयै स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवयै स्वाहा। हे स्वधा देवी, हमारे परिचित अपरिचित सभी लोगों को आप सुख दें, तृप्त करें, सदगति दें। ओम नारायण। चलिए अब समय है मस्ती भरी खेल कूद करने का, तो चलिए खेलते हैं ये सुंदर खेल। संस्कृत के श्लोकों का पठन। चलो बच्चों, अब श्राद्ध से संबंधित संस्कृत श्लोकों का पाठ करते हैं। इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। श्रद्धा समन्वितैर्दत्तम् पितृभ्यो नाम गोत्रतः यदाहारास्तु ते जातास् तदाहारत्वमेति तत्। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थात श्रद्धायुक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। आदर्श दिनचर्या। बच्चों, हमारी दैनिक दिनचर्या व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है और हमें अपनी जीवन शैली सुधारने में भी हमारी मदद करती है। एक अच्छी तरह से संतुलित दैनिक दिनचर्या रखने से कई लाभ मिलते हैं। तो कैसी होनी चाहिए हमारी दिनचर्या, आइए समझते हैं। सभी बच्चों को प्रातः सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। उठकर भगवान को मनोमन प्रणाम करके दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम्। इसका अर्थ है, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्या देवी सरस्वती का निवास है और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास है। अतः प्रभात में कर दर्शन करना चाहिए। शौच स्नानादि से निवृत्त होकर प्राणायाम, जप, ध्यान, त्राटक, भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। नियमित रूप से योगासन करने चाहिए। अध्ययन से पहले थोड़ी देर ध्यान में बैठें। इससे पढ़ा हुआ सरलता से याद रह जाएगा। जो भी विषय पढ़ें वो पूरी एकाग्रता से पढ़ें। भोजन करने से पहले हाथ पैर धो लें। भगवान के नाम ये श्लोक बोलते हुए स्मरण करें। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रसन्न चित्त होकर भोजन करना चाहिए। बाजारू चीजें नहीं खानी चाहिए। भोजन में हरी सब्जी का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से जाना चाहिए और पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और अपना गृह कार्य यानी होमवर्क रोज कर लेना चाहिए। शाम को संध्या के समय
नियमित रूप से प्राणायाम जप ध्यान करना चाहिए। रात्रि में देर तक नहीं जागना चाहिए। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से आयु बढ़ती है। साथ ही भगवान नाम का स्मरण करते करते सोना चाहिए। साखी संग्रह। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान का चुटकुला। एक व्यक्ति ने किसी घर की घंटी बजाई तो अंदर से एक बच्चा बाहर आया। व्यक्ति ने पूछा, बेटा पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। व्यक्ति ने कहा, चलो बड़े भाई को बुला दो। बच्चे ने उत्तर दिया, वो क्रिकेट खेलने गया है। व्यक्ति ने पूछा, बेटा माँ तो होंगी घर पर? बच्चे ने कहा, जी वो अपने सहेली के घर गई है। व्यक्ति गुस्से में आकर बोला, तो तुम घर पर क्यों बैठे हो? तुम भी कहीं चले जाओ। बच्चे ने उत्तर दिया, अरे अंकल मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ। सीख। इतना कुछ कहने से पहले उस बच्चे को पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ। अतः कभी भी किसी को अपनी बातों या व्यवहार के द्वारा घुमाना नहीं चाहिए। व्यवहार में स्पष्टीकरण होना चाहिए। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। जिसको भी मिल जाती है मन उसका खिल जाता है, मेहनत लगन और हिम्मत पर बस उसका दिल आता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। आज हम जानेंगे नशा क्या है। पूज्य बापूजी कहते हैं, जिसमें शांति न हो उसे नशा कहते हैं। गुटखा, बीड़ी, दारू या कोई भी व्यसन तन मन को भयंकर हानि पहुंचाते हैं। इनसे इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। मनुष्य देवता जैसा बनने के बदले पशु से भी बदतर बन जाता है। इनके चंगुल से मुक्त होने में ही सार है। नशा व्यक्ति को खोखला कर देता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि से शरीर, मन, बुद्धि व संकल्प शक्ति के साथ रोग प्रतिकारक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इससे शरीर कई प्रकार के रोगों का घर बन जाता है। बहुत से लोग तो अकाल मृत्यु के भी शिकार हो जाते हैं। ये बात नशा करने वाले को पता तो है, परंतु गंदी आदत की ललक के आगे संकल्प बल कमजोर पड़ने से वो व्यसन छोड़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए संतों महापुरुषों की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। वे सामर्थ्य, सद्भाव और शुभ संकल्प के अक्षय भंडार होते हैं। उनकी मीठी नजर पड़ने पर असाध्य लगने वाले कार्य भी सरलता से हो जाते हैं। आसन। आज के सत्र में हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये दो आसन। चलिए सीखते हैं पवन मुक्तासन और कटिपिंड मर्दनासन। लोग गैस की तकलीफ से परेशान होते हैं, इसका असरकारक इलाज है पवन मुक्तासन। शरीर में स्थित पवन अर्थात वायु इस आसन से मुक्त होता है।
इसलिए यह पवन मुक्त आसन कहलाता है। चलो करें पवन मुक्त आसन और स्वस्थ रहें। सबसे पहले सीधे लेट जाएं और गहरी श्वास लेकर रोकें। फिर किसी भी एक टांग को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर घुटने को पकड़ें और पेट के साथ लगा दें। इस अवस्था में दूसरी टांग जमीन पर ही रहे। अब सिर को ऊपर उठाते हुए नाक को घुटने से लगाएं। थोड़ी देर रुककर फिर श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में वापस आ जाएं। इसी प्रकार ये क्रिया दूसरी टांग से भी करें। दोनों टांगें एक साथ मोड़कर भी ये आसन कर सकते हैं। ये आसन आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। इस आसन में ध्यान मणिपुर चक्र में होना चाहिए। लाभ: पवन मुक्तासन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, मोटापा कम होता है, गैस की तकलीफ और कब्ज दूर होता है। जिसको गैस की तकलीफ है, काजू घी में सेक के काले मिर्च लगा के चबा चबा के खाए, सेंधा नमक और काले मिर्च। वायु की तकलीफ में आराम मिलेगा। कटिपिंड मर्दनासन: कंबल पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को आमने सामने फैला दें और मुट्ठियां बंद कर लें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़े कर दें। दोनों पैरों के बीच इतना अंतर रखें कि घुटनों को जमीन पर झुकाने से एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को लगे। अब श्वास को अंदर भरते हुए सिर दाहिनी ओर मोड़ें और घुटनों को बाईं ओर जमीन से लगाएं। श्वास को कुछ देर अंदर रोकें, फिर छोड़ें। वापस श्वास को अंदर भरते हुए सिर बाईं ओर मोड़ें और दोनों घुटनों को दाहिनी ओर जमीन से लगाएं। श्वास को अंदर रोकें, फिर छोड़ें। इस प्रकार आप ये क्रिया 15-20 बार कर सकते हैं। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में रहे। लाभ: इस आसन को करने से पथरी, कमर दर्द, साइटिका, रीढ़ की हड्डी की जकड़न, उदासीनता, निराशा, डायबिटीज, नपुंसकता, गैस, पैर की गांठ जैसे रोगों में शीघ्र लाभ होता है। यदि नाभि खिसक गई हो तो ये आसन करने से पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। ध्यान दें, कब्ज का रोगी सुबह शौच जाने से पहले पानी प्रयोग करके ये आसन करे तो उसे चमत्कारिक लाभ होगा। गृह कार्य होमवर्क: अब समय आ गया गृह कार्य का। इस सप्ताह श्राद्ध के दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए कुछ न कुछ सेवा कार्य, जैसे पक्षियों को दाना डालना, गाय को चारा या रोटी खिलाना आदि करना है, और रोज भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण करना है। अब प्रस्तुत है कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न: मृत्युलोक में कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध था? दूसरा: कर्ण ने किस दान की उपेक्षा की थी? तीसरा: कर्ण ने 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आकर क्या किया? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य अपने बाल संस्कार के शिक्षक या शिक्षिका या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। आरती: मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरि ने मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरि ने मारे मंदिरे पधारो, सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, जेने आंगणे
अड़सठ तीरथ संतों न चरण रे, अड़सठ तीरथ गुरु जी न चरण, गंगा यमुना रे वाला, गंगा यमुना रे हरि गुरु संतनि सेवा। संत मळे तो महा सुख पाऊं, संत मळे तो महा सुख पाऊं, गुरु जी मळे तो मेवा वाला, गुरु जी मळे तो सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही, दीन दयाल को बेनती सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज, हरि हरि ओ ओ। साधक मांगे मांगना प्रभु दी जो मोहि दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो, हरि हरि ओ ओ ओ। तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र है। आज हम इसे बोलकर प्रार्थना करेंगे। तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजो स्योजो मयि धेहि, मन्युरसि मन्युम मयि धेहि, सहोसि सहो मयि धेहि। अर्थात हे परमात्मन, तू तेज स्वरूप है, मुझ में तेज धारण करवा। हे परमात्मन, तू पराक्रम रूप है, मुझ में पराक्रम डाल। हे परमात्मन, तू बल स्वरूप है, मुझ में भी बल दे। हे परमात्मन, तू ओजमय है, मुझ में ओज धारण करा। हे परमात्मन, तू प्रभाव स्वरूप है, मुझ में भी प्रभाव धारण करा। हे परमात्मन, तू साहस स्वरूप है, मुझ में भी साहस भर। अब हम श्री आशा रामायण पाठ की कुछ पंक्तियों का पठन करेंगे। मरियो 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 मरियो, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा ना, साधन करने कृष्ण पे आग बहाए झरने, सेवक सखा भाव से भीजे गोविंद माधव तब है दीजे, एक दिना
पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागे, आंसू मन के पाओ लागे। हरि ओम 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 हरि ओम। आंसू मन का पुष्ट हुआ आलोकिक प्रभा, सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को हुआ उनका मन, आंसू मल गए पलायन। अर्थ खोज में निकल गया दम, मिले भरूच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता। घर में लाए आज माए, गुरुद्वारा तले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भगत ने पत्नी को समझाया। सांसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जी आत्मा काया, साथ रहे वैरागी माया। हरि ओम 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 हरि ओम। अनश्वर हूँ मैं जानता, सचित हूँ आनंद। भाषा है एक सेतु, संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ने राजा विलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ऋषि पाप ये बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटा। दर्शन पाए दिल को जत आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, भेजा पौधे मैंने ताला। वहां से श्रुत्य ब्रह्मा निश्चित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल बाहर कठोरा, निर्विकल्प जी कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, हरि ओम 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 हरि ओम। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम।